वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के लघु उत्तर प्रश्न आपके लिए कराने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 6, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, प्रदत्त परिस्थिति के आधारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति के आधारों का उल्लेख आपसे करवा रहा है इसमें। तो प्रदत्त परिस्थिति के आधार जो हैं वो आपके जाति हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, लिंग और आयु। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जाति। जाति में क्या है, जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। जाति की जो सदस्यता होती है वो किससे निर्धारित होती है, जन्म से। इसलिए जिस जाति का समाज में जो स्तर होता है उसी के आधार पर उस जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्थान निर्धारित हो जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है ना, ये तो जाति के आधार पर हो गया। सेकंड हमारा लिंग। लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष के रूप में व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा यह जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, ठीक है ना। लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष जो है उसके रूप में व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा यह जन्म से निर्धारित हो जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में परंपरागत रूप से पुरुषों का प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों से उच्च स्तर प्रदान किया जाता है, ठीक है। हालांकि संवैधानिक रूप से दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। थर्ड पॉइंट हमारा आयु। आयु की भिन्नता के आधार पर समाज के विभिन्न लोगों का भिन्न भिन्न स्थान होता है, ठीक है। आयु की भिन्नता के आधार पर समाज के जो विभिन्न लोग हैं उन लोगों का भिन्न भिन्न स्थान होता है, अलग अलग, ठीक है। उदाहरण के लिए समाज में वृद्ध लोगों की स्थिति अधिक सम्मानजनक होती है, बच्चों और युवाओं की भी स्थिति एक समान नहीं होती। तो ये था आपका लघु उत्तरी प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।